बदलते भारत की तस्वीर में डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान ने न केवल शहरों को डिजिटल किया है बल्कि गांवों को भी डिजिटल क्रांति से जोड़ा है। डिजिटल इंडिया अभियान के विदिशा जिले में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोगों के सभी सरकारी और गैर सरकारी काम जिनमें पहले घंटों का समय लगता था अब वह चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने जमीन के सौदों को लेकर पहुंचे हितग्राहियों ने बताया कि पहले रजिस्ट्री कराने में जहां 2-3 दिन से ज़्यादा समय लगता था वह आज आधे घंटे में पूरी हो जाती है। डिजिटाइजेशन से न केवल समय की बचत हुई है बल्कि पारदर्शिता में भी इजाफा हुआ है। इससे गरीबों किसानों के साथ छलावा या धोखा होने की संभावनाएं भी खत्म हो रही हैं। पहले समय से पटवारी के पीछे पड़ो, ऑफिस में जाओ, जहाँ चक्कर लगाओ वहाँ अपन खुद अपने मोबाइल पर देख लो, जिसके बाद अपन खुद काम पे लग जाओ। प्रधानमंत्री के लिए मैं इस कार्यक्रम के लिए अभियान के लिए बहुत धन्यवाद देना, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, लाभ तो सब मिल रही है किसान का, सब कुछ फायदा है। देखो सूखा लाभ मिल रहा है, बीमा लाभ मिल रहा है, फसल योजना सब चीज मिल रही है लाभ। कंप्यूटर महादास मिल रही है जानकारी, मिले है कंप्यूटर महादास जानकारी मिले है। भाई एक बार कंप्यूटर में फिट हो जाए तो वहाँ पीछे कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, वरना मरे अपने एक कछू भी जब निकलवा जब बस फायदा होता है। अपन स्टाम्प हार्ड कॉपी रहती थी उसमें बहुत सारे स्टाम्प लगते, जैसे मान लो तो इसकी 10 लाख की रजिस्ट्री होना है, 10 लाख के स्टाम्प निकलना है तो एक बंच बन जाता था। आज 3 पेपर में 10 लाख के स्टाम्प निकल जाते हैं, ये सबसे बड़ा रहा। मैं मोदी जी को भी है ना धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे को रजिस्ट्री वगैरह करवाने में पहले कलेक्टर जाना पड़ता था तो बहुत टाइम लगता था, अब कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सुलभ हो गया और कम समय में काम हो जाता है, इसके लिए बहुत धन्यवाद।